हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरकार एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, मैं यूपी SSC NM प्रीवियस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। फ्रेंड, इसे फर्स्ट पॉइंट पूछा है, निम्न में से कौन सही है। फ्रेंड्स, से पढ़े और इसका आंसर बताएं क्या होगा। इसमें पूछा है निम्न में से कौन सही है। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। सेकंड पॉइंट है, विनिंग का अर्थ होता है, विनिंग का अर्थ क्या होता है। फ्रेंड, इसका राइट आंसर बी है। थर्ड पॉइंट दिया है, मुंह की सफाई के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड की मात्रा का अनुपात कितना होता है। फ्रेंड्स, से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इससे पूछा है मुंह की सफाई के लिए हाइड्रोजन ऑक्साइड की मात्रा का अनुपात कितना होता है। इसका राइट आंसर सी है। फोर्थ पॉइंट है, मुंह से बदबू आना किसके कारण होता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। फिफ्थ पॉइंट है, परिवार नियोजन के लिए पुरुषों में स्थायी नसबंदी विधि कौन है। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। सिक्स पॉइंट है, मेंटॉक्स जांच किसमें किया जाता है। फ्रेंड, से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसे पूछा है कि मेंटॉक्स जांच किसमें किया जाता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। सेवेंथ पॉइंट है, भारत में 90% मुंह के कैंसर का कारण क्या है। इसका राइट आंसर डी है, तंबाकू खाने से। एट्थ पॉइंट है, जन्म के समय टीका दिया जाता है। फ्रेंड, से पढ़े और इसका आंसर बताएं। से पूछा है जन्म के समय टीका दिया जाता है। इसका राइट आंसर डी है, BCG और OPV। नाइन्थ पॉइंट है, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। इसका राइट आंसर बी है। टेंथ पॉइंट दिया है, वह अवस्था जिसमें विचार रोगी के न चाहने के बावजूद उसके मन में प्रवेश करते हैं। फ्रेंड, से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इससे पूछा है वह अवस्था जिसमें विचार रोगी के न चाहने के बावजूद उसके मन में प्रवेश करते हैं। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। इलेवेंथ पॉइंट है, निम्न में कौन एक प्रकार की एंटी डिप्रेसेंट दवाई है। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है। ट्वेल्थ पॉइंट दिया है, निम्न में कौन एक विशेष रूप से रोगी और चिकित्सक के बीच आपसी सहानुभूति और समझ का रिश्ता है। फ्रेंड, से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसे पूछा है निम्न में कौन एक विशेष रूप से रोगी और चिकित्सक के बीच आपसी सहानुभूति और समझ का रिश्ता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। थर्टीन पॉइंट है, बिना चीड़ फाड़ के नसबंदी को क्या कहा जाता है।
इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। 14 पॉइंट है, सांस लेने में तकलीफ को क्या कहते हैं। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि सांस लेने में तकलीफ को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर सी है। 15 पॉइंट है, सर्वश्रेष्ठ जीवाणुनाशक की विधि कौन है। सर्वश्रेष्ठ जीवाणुनाशक की विधि कौन है। इसका राइट आंसर सी है। 16 पॉइंट है, जी मिचलाने एवं उल्टी को रोकने की दवा कौन सी होती है। जी मिचलाने एवं उल्टी को रोकने की दवा कौन सी होती है। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं क्या होगा। इसका राइट आंसर डी है। 17 पॉइंट है, मासिक बच्चों की बुद्धि लिप कितनी होती है। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसे इसका राइट आंसर सी है। 18 पॉइंट है, क्रेप लाइन पट्टी किसमें इस्तेमाल किया जाता है। क्रेप लाइन पट्टी किसमें इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं क्या होगा। इसका राइट आंसर ए है। 19 पॉइंट है, NRHM की स्थापना कब हुई। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसे पूछा है NRHM की स्थापना कब हुई। इसका राइट आंसर ए है। 20 पॉइंट है, किसी भी सर्जिकल प्रयोग करने के पहले प्रथम इस्तेमाल किया जाता है क्या। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसे पूछा है किसी भी सर्जिकल प्रयोग करने के पहले प्रथम इस्तेमाल किया जाता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है, दस्ताने। फ्रेंड्स ये UP SSC NM से रिलेटेड 1 से 20 तक MCQ दिए थे। ऐसे वीडियो पाने के लिए फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फ्रेंड मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।